हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए, मैं ये वाला बहुत प्यारा सा डिज़ाइन मैं शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन दिखने में बहुत प्यारा लगता है और ये बहुत आसान भी होता है बनाने में। अब देखिए, बीच में जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये सिर्फ 6 फंदों में बनाया है। बीच में हम फंदे बढ़ाते हैं तब जाके ये बीच वाला बनता, बाकी ये 6 फंदे हैं। 2 फंदे यहाँ पर उल्टे और 2 यहाँ पर उल्टे, तो मतलब 10 फंदों का ये डिज़ाइन है। और बाकी आप इस साइड में इसकी ऐसी केबल भी डाल सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ साइड में आप ऐसा डिज़ाइन इसका डाल सकते हैं। मैंने ऐसी ये एक ऐसी केबल इसमें डाली है। आप कोई भी इसमें साइड में डाल सकते हैं डिज़ाइन जो आप चाहें, और या इसको पूरे में कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी पर भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। मैंने ये डिज़ाइन 22 फंदों में बनाया है। इतना जो ये पूरा बना हुआ है, ये 22 फंदे हैं। ये केबल 4 फंदों की है, इधर भी मैंने 2-2 फंदे उल्टे रखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं ये वाली केबल, और चाहें तो बना सकते हैं। अब देखिए, पहली लाइन आपको कैसे करनी है, 1 फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। ये मैंने ऐसे ही डाला है, इसलिए आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। अब ये फंदों में मैंने केबल बनाई है, तो पहले बाद वाला फंदा ऐसे पकड़ेंगे और पहले वाले को ऐसे लेंगे और ऐसे करके दोनों को इसमें लेंगे और ये इन 2 फंदों को सीधा बना देंगे। तो ये केबल आपकी जैसे ट्विस्ट होती है, उस तरीके से केबल ट्विस्ट हो जाएगी ऐसे। अब एक तरीका और है, ये जो बाद वाली केबल है 2 फंदों में बनी हुई है दोनों केबल, इसको पहले आप ऐसे बुनिए और ऐसे निकाला फंदा, फिर पहले वाला बुना और ये दोनों को छोड़ दिया, तो ये केबल आपकी ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से ये वाला डिज़ाइन शुरू होता है, तो ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे करेंगे और ये केबल आप चाहें तो छोड़ सकते हैं इसको। अब मैंने इसमें क्या किया है, पहले पीछे से 1 फंदा ऐसे बनाया, फिर इस फंदे को आगे से बनाया ऐसे करके, तो ये केबल जैसी ट्विस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से पहले इसको आगे से बनाया और फिर पीछे वाले पहले वाले फंदे को ऐसे बनाया, तो ये ऐसे होता हुआ जाएगा। ज़रूरी नहीं आप इसको डालें, और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। उल्टी लाइंस कुछ नहीं करनी है, सारी जितनी आपके पास उल्टी लाइंस आएंगी उनको आपको उल्टा उल्टा बनाना है ऐसे करके, सारी लाइंस को उल्टा बनाना है। तो ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई हैं और उल्टी लाइन बन गई, तो 2 लाइन इसकी कंप्लीट हो गई हैं। ये इस तरीके से दिखेगा। अब आगे देखिए, ये फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, केबल वैसे ही बार बार बनाते जाएंगे जैसे मैंने अभी बनाई थी। पहले पीछे से ये वाला फंदा बनाएंगे ऐसे, आगे से फिर ये वाला फंदा बनाएंगे, ये 2 फंदे ट्विस्ट हो रहे हैं, फिर आगे से पहले ये वाला फंदा बनाएंगे, फिर दूसरा वाला बनाएंगे, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। आप चाहें इसको छोड़ सकते हैं, इधर से इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे, 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे पे ऐसे जाली डालेंगे। जाली डाली, अब 1 और 2 फंदे और सीधे, मतलब 1 फंदा इस लाइन में बढ़ गया, और अब 2 फंदे उल्टे, केबल जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे इनको। पहले आगे से ऐसे बनाया, इस तरीके से पीछे से इसको बनाया और फिर आगे से बुना, फिर इसको आगे से बनाया और फिर पहले वाले फंदे को ऐसे करके, अब लास्ट में 2 फंदे उल्टे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनाएंगे
उल्टी लाइन बनाने के बाद देखिए पांचवी लाइन, एक फंदा उतारा धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, और ये दो फंदे उल्टे और ये केबल ऐसी ही चलती हुई जाएगी। ये जो केबल बना रहे हैं, जो दो उल्टे फंदे बना रहे हैं, ये सारी ऐसी चलती हुई जाएगी जहाँ तक आप डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा चाहें इसको बना सकते हैं। पहले पीछे का फंदा बनाना है, ऐसे करके सीधा बनाया और अब आगे से ये, फिर ये बाद वाला फंदा पहले सीधे बनाया, फिर पहले वाला फंदा सीधा बनाया, ये दो फंदे उल्टे। यहाँ से आपको डिज़ाइन याद रखना है, धागा पीछे करके एक और दो, तीन फंदे पहले सीधे बनाएंगे। अब देखिए तीन फंदे सीधे बनाए, यहाँ पे धागा आगे किया, इस फंदे पे जाली डालेंगे, जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे पे भी जाली डालेंगे। अब जो ये फंदा जिस पे हमने पहले जाली डाली, उसके दोनों साइड अब जालियाँ आएंगी और फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। ये दो फंदे सीधे, दो उल्टे, और ये केबल वैसी बनेगी, दो फंदे उल्टे, फिर उल्टी लाइन पूरी उल्टी। देखिए उल्टी लाइन भी मैंने कर ली है। अब हम सातवीं लाइन में आ गए, एक फंदा यही उतारना है और दो फंदे उल्टे बनाने। ध्यान से देखिएगा, दो फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, केबल वैसी चलेगी जैसे हम बना रहे थे इसको। ये फंदा, इन दो फंदों को पहले ट्विस्ट करना है ऐसे, फिर बाद के दो फंदों को भी ट्विस्ट करना है। तो आप चाहे जैसी केबल चाहे आप बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे किया और दो फंदे उल्टे बनेंगे। यहाँ से डिज़ाइन शुरू हो रहा है, धागा पीछे, ये तीन फंदे सीधे ही आएंगे, दो और तीन। अब देखिए करना क्या है कि बीच में हम यहाँ पे अभी फंदे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये तीन फंदे सीधे ही बनाएंगे जहाँ तक मैं बताऊँगी। ये तीन फंदे सीधे बनेंगे, इसके जस्ट बाद जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करना है और इस फंदे पे जाली डालनी है। जब भी ये तीन फंदे बनाएंगे, इसके जस्ट बाद एक फंदे पे जाली आएगी, फिर एक और दो फंदे सीधे आ गए, फिर जो ये तीन फंदे हैं, ये दो उल्टे से पहले जो तीन फंदे हैं, इनसे पहले भी हमेशा जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ करना है और ये जाली डाली, दो फंदे और बनाए। तो ये देखिए बीच में ये फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं, यही बार बार करना है जब तक कि आपके बीच में छः जालियाँ ना आ जाएं, तब तक ये ऐसे ही करते हुए जाना है। यहाँ पे ये केबल ऐसी चलेगी जैसे मैंने बताई थी, और उल्टी लाइन हमेशा उल्टी ही आएगी। देखिए सात लाइन ये हो गई हैं, अब उल्टी लाइन उल्टी करेंगे, उसके बाद बताती हूँ कैसे करेंगे आगे। अब देखिए उल्टी लाइन हो गई हैं, नौवीं लाइन पे आ गए। ये शुरू से तो मैंने बताया है ऐसे ही करना है, दो फंदों को उल्टा बनाएंगे, केबल को ट्विस्ट करेंगे ऐसे करके, फिर बाद में दो फंदों को ऐसे दो 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 करके ट्विस्ट कर रही हूँ मैं, पहले दो फिर दो और यहाँ से डिज़ाइन शुरू है। तो दो फंदे उल्टे बनाए जैसे मैंने बताया था अभी, ये तीन फंदे सीधे आएंगे, एक दो और तीन, ये तीन सीधे ही आएंगे, धागा अपनी तरफ, अब इस फंदे पे जाली। अब बीच में जितने फंदे बड़े हैं उनको सीधा बनाना है, एक दो तीन और चार, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इस फंदे पे जाली और दो फंदे और सीधे। अब यहाँ पे जो ये तीन फंदे हैं इनके जस्ट बाद हम जाली डाल रहे हैं, और बीच वाले जितने बढ़ रहे हैं उनको सीधा बना रहे हैं। फिर इन तीन फंदों से पहले, मतलब इस वाले फंदे पे हम जाली डाल रहे हैं और बाकी सीधे, तो ये करते हुए जाना है। यहाँ पे आपके 12 या 13 फंदे नहीं बढ़ जाते, तब तक यही करते हुए जाना है। उसके बाद हम वो बीच का डिज़ाइन बनाएंगे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी। उल्टी लाइन करने के बाद फिर से देखिए वही आपको बार बार रिपीट करना है, जैसा मैंने बताया है वहाँ पे आपको जाली डालनी है। शुरू के फंदे ऐसे ही बनाने हैं, वो मैं
बार बार इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही बनाने हैं, दो उल्टे, और ये पहले पीछे से बनाया फिर बाद में आगे से दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन। अब यहाँ पे तीन फंदे बनाने के बाद आगे करना है धागा, इस पे जाली, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ किया, फिर इस पे जाली और दो फंदे सीधे, ऐसे ही बनता हुआ जाएगा बीच में। केबल को वैसे ही ट्विस्ट करना है, दो फंदे उल्टे के बाद केबल वैसे ही ट्विस्ट होगी जैसे मैंने पहले बताया है, जैसा चाहे आप उनको ट्विस्ट कर सकते हैं। फिर दो उल्टे। अब देखिए इन्हीं लाइंस को रिपीट करते हुए जाना है, एक दो तीन जालियां आई हैं, तीन और आएंगी जब तक कि आपके बीच में, देखिए एक दो तीन इन फंदों को छोड़ के और एक दो तीन फंदों को छोड़ के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे यहाँ पे हो गए हैं, टोटल हमें 13 फंदे यहाँ बीच में करने हैं। तो ये जाली डालते हुए जाना है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको उसके बाद हम इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। तो मैं सारी जालियाँ डाल के दिखाती हूँ, जालियाँ वैसी डालनी हैं जैसे मैंने बताया है, उससे एक एक फंदा बढ़ता हुआ जाएगा और बीच में जो हमारा डिज़ाइन है उसके बाद हम उसको बनाएंगे। तो वैसे ही आप जाली डालिए, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कैसे आगे करना है फिर उसको। देखिए जब भी हम यहाँ पे आ रहे हैं, दो फंदे उल्टे करने के बाद तीन फंदे सीधे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे पे जाली, फिर ये बीच के सारे फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली और ये दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, एक और दो। फिर ये केबल वैसी ट्विस्ट करनी है जैसे मैंने बताया है, और अभी एक जाली यहाँ पे हम और डालेंगे, एक बार सेम ऐसी और बनाना है, उसके बाद इसको बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो ये फिर मैंने उल्टी लाइन करने के बाद वहीं पे आ गई हूँ बीच में, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, दो तीन, धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली डालेंगे, एक देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह। देखिए जाली डाल के 11 फंदे सीधे बनाए हैं, मतलब जाली वाला फंदा मिला के 12 फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली डाली तो ये बीच में 13 फंदे हो गए, दो फंदे और सीधे, और जैसे केबल बनाई है ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद केबल जैसे बनाई है वैसी बनाना है। उल्टी लाइन करने के बाद दिखाती हूँ आपको कैसे करना है, लास्ट लाइन दिखाऊंगी कैसे करना है उसको, वही आपकी इम्पॉर्टेंट रो है इस डिज़ाइन में। देखिए इस लाइन में देखिए अब ये बीच में ऐसा बन गया, अब इस पे हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए अब करना क्या है इसमें, शुरू से तो वैसे ही करेंगे, एक फंदा सीधा बना के दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जो केबल मैंने जैसे किया है इसमें वैसे ही करना है। ये किया, फिर दो फंदे उल्टे, एक और दो। अब देखिए इसमें कैसे करना है, पहले ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे सीधे बनाए। अब जो बढ़े हुए फंदे हैं उनमें हमें ऐसा डिज़ाइन लाना है। तो देखिए जो पहली वाली जाली है उसमें आप ऐसे सिंपली सिलाई डाली, एक फंदा निकाला ऐसे करके निकाला, थोड़ा सा ढीला रखिएगा, और एक फंदा ये वाला लिया, फिर दूसरी वाली जाली में सिलाई डाली, एक फंदा लिया ऐसे करके, थोड़ा सा लूज लेना है उसको, ये वाला फंदा एक यहाँ से लिया, फिर तीसरी जाली में ऐसे सिलाई डाली, एक फंदा लिया ऐसे थोड़ा सा ढीला,
एक यहाँ से लिया, फिर चौथी में डाली, छह जाली हैं, छह में हमें हर जाली में फंदा निकालना है ऐसे करके और एक फंदा सलाई से लेना है। तो ये किया, थोड़ा सा इनको लूज रखना है और एक यहाँ से लिया, फिर एक फिर नीचे वाली जाली में डाला ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा इसको खींच के रखना है, नहीं तो ये डिज़ाइन खींचा खींचा सा हो जाएगा, इसलिए इनको थोड़ा ढीला रखना है। ऐसे करके एक फंदा यहाँ से लेना है। अब एक फिर ये नीचे जो जाली दिख रही है, हर जाली से एक एक फंदा लेना है ऐसे करके, धागा लपेटा और एक फंदा ऐसे लिया, एक यहाँ से लिया। फिर अब देखिए ये जो बीच वाली जाली है उससे भी फंदा निकालना है। हर बार आपको थोड़ा सा फंदा लूज रखना है जो आप जाली से निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे लिया, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है खींच के, और एक फंदा यहाँ से लेना है। अब इन जालियों में से भी वैसे ही निकालना है फंदा एक एक करके। देखिए उसके नेक्स्ट जाली में डाला और ये यहाँ से लिया, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, जितनी उसकी लंबाई है उतना हमें रखना है। फिर उसके नेक्स्ट जाली में डाला और ऐसे फंदा निकाला ऐसे करके, थोड़ा सा लूज करके, तो सारी जालियों में से फंदा निकालना है और एक फंदा इस सलाई से ऐसे लेना है। तो मैं सारी जालियों में से फंदा निकाल के दिखाती हूँ ऐसे। देखिए ये फंदा ऐसे लिया, अब सारे फंदे हमने ले लिए हैं, एक एक जाली में से फंदा निकाला है और ऐसे करके इस सलाई से फंदे ले लिए। अब जो ये वाला फंदा है इसमें से जो ये तीन फंदे हमारे पास हैं, ये जो तीन फंदे इनमें से एक फंदा हमें बुनना है। तो ये सारी जालियों से मैंने ऐसे फंदे निकाल लिए हैं और अब लास्ट वाला जो फंदा है उसको लिया। अब जो तीन फंदों में से एक फंदा हमें बुनना है, देखिए ऐसे ये फंदा ऐसे करके सीधा बुनना है ऐसे। अब हमने यहाँ फंदे बढ़ाए हैं तो अब इनको थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे। तो देखिए दो फंदे ऐसे लीजिए और इस फंदे के ऊपर से उतारने हैं सारे फंदे। देखिए ये दो फंदे ऐसे लेने हैं और इस फंदे के ऊपर से उतारने हैं सारे फंदे जो हमने अभी बुना है, सारे फंदे उसके ऊपर से उतार के हमें कम करने हैं ऐसे करके। जितने भी बीच में बढ़े हुए फंदे हैं उनको ऐसे लीजिए, उतार देंगे, फिर दो फंदे लेंगे इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतारेंगे, फिर दो फंदे और लेंगे, दो दो करके उतारेंगे इस फंदे के ऊपर से ऐसे, फिर दो फंदे और लेंगे इसके ऊपर से उतारेंगे, ऐसे करके सारे फंदे हमें इसके ऊपर से उतार के घटा देने हैं ऐसे। ऐसे फिर ये वाला लिया ऐसे, ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। इसके ऊपर से सारे फंदे उतारेंगे, सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छः फंदे रह गए अब बीच में। अब इनको दो फंदों इसको थोड़ा सा टाइट खींचेगा और
एक दो, दो फंदे बुने, धागा अपनी तरफ किया, बाकी लाइन वैसी, एक दो उल्टे, धागा पीछे, ये केबल जैसे ट्विस्ट की थी वैसी ही कर लेनी है, केबल ट्विस्ट की, फिर दो फंदे उल्टे और उल्टी लाइन पूरी उल्टी, फिर से इसको रिपीट करते हुए जाना है जैसे मैंने बताया। देखिए ये ऐसे बन जाएगा, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आराम से बन जाता है, बहुत ही आसान है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।